this is episode 15 of little fixes podcast subscribe to the podcast and tell your friends and family about it if you think that we provide value follow us on instagram and facebook at little fixes podcast mujhe email bhi kar sakte hain at littlefixespodcast podcast at gmail.com or up episode This episode kafi special hair because aj 18th march and or married daughter idhaya third birthday hai. आई थॉट कि आज अपने मदरहुड एक्सपीरियंसेस की बातें करती हूँ क्या अच्छा था क्या बहुत अच्छा नहीं था और कैसे मेरी लाइफ चेंज होती गई और मैं कैसे इस पॉइंट पे पहुँची जहाँ मैं हूँ अभी अपनी लाइफ में Little Fixes Podcast. Raw, real and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. Chahi आपका career ho ya fitness, social media growth, family, self-care, or भी बहुत kuch. This is Matri, celebrity stalker, and your host. So I got married in 2011. मेरे हस्बैंड का प्लान था शादी के दो तीन साल बाद बेबी प्लान करने का बट ये तो मेरे फाइव ईयर प्लान में भी नहीं था यार बट स्टिल आफ्टर फाइव ईयरस ऑफ मैरिज आई डिसाइडेड टू गिव पेरेंट हुड अ चांस ऑब्वियसली देर इज नो टर्निंग बैक एंड पॉज क्या सॉलिड चेंज आया है लाइफ में आप सबको पता होगा जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं दे नो द चेंज इज ड्रेस्टिक तो so, चेंज बहुत सारे आए तो so, सबसे पहला चेंज ये आया कि आई लेफ माई जॉब आफ्टर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ सिकनेस मुझे लगा कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है आई लेफ्ट माई जॉब आई वॉज वर्किंग इन एन एजेंसी एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल आई लेफ्ट दैट उसके बाद घर पे अच्छे से खाया पिया फिर बेबी भी आ गया एंड प्रेगनेंसी वॉज ईजी तो इट वॉज़ अ गुड थिंग और मेरे पास सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का अच्छा आफ्टर बेबी आई इमीडिएटली हायर्ड अ कक और इनिशियली मेरी मदर इन लॉ भी मेरे पास आ गई थी तो आई वॉज वेरी वेल सपोर्टेड एंड माई हस्बैंड अंडरस्टोड कि ये बहुत बड़ा चेंज है तो शी इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट ऑब्वियसली ही वॉज एडजस्टिंग एज वेल वी बोथ यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज दाया उठ जाती थी रात में शी वॉज uh, मतलब ऐसा नहीं कि उसने बहुत परेशान किया हो बट फर्स्ट मंथ में ये शी यूज टू पी इन अ स्लीप एंड शी यूज़ टू वेकअप बिकॉज मुझे लगता था यार इतनी छोटी बेबी को डायपर नहीं पहनाना चाहिए और मैंने और मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट मंथ में ये उसको डायपर का सोचा ही नहीं मतलब वेन वी यूज़ टू गो आउट हाँ पहना देते थे, थे बट रात में भी नहीं पहनाते थे यार एंड शी यूज टू वेकअप और फिर हम लोग उठ जाते थे फिर पता चला उसने शी हैज़ पीड और पुप और मैं उनसे कह रही हूँ यार इसका नैपी चेंज कर दो और दोनों सो गए फिर वो रोने लगी फिर याद आया या, अरे यार डर नापी चेंज करनी थी फिर उठे फिर उसको कराया नैपी चेंज किया एंड फीड ऑब्वियसली मैं ही कराती थी बिकॉज इनिशियली आई डिडेंट हैव अ पम्प मतलब आफ्टर वन मंथ हम लोग को रियलाइज हुआ यार डायपर पहना देना चाहिए एंड वी स्विच टू डिस्पोजेबल डायपर्स हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार अब मुझे भी कभी बाहर जाने का मन होता है अकेले हर वक्त मैं बेबी को लेकर नहीं जाना चाहती थी तो मतलब इट वॉज़ वेरी रेयर टू गो आउट तो आई जस्ट गॉट अ मैन्यूअल ब्रेस्ट पम्प और उससे थोड़ा सा पंप किया कि हाँ इट इट विल लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स लाइक इफ आई एम गोइंग आउट फॉर टू थ्री आवर्स तो काम चल जाएगा एंड येस आई ऑल्सो टुक फॉमूला जिससे कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो यार फार्मूला से ही काम चल जाए मुझे उसको फीड नहीं कराना पड़े तो वी डेड दैट और She was 40, 40 days, uh, about 40 days old when I went out to watch a movie alone. And what an experience, man. Movie was Mary Piari bindu. But yaar itna maza aaya tha na, late se <laughs> movie dekhne ka. I joined my job back. I took work from home and joined as a part-time employee. Uh, I joined when Nidhaya was a little over 3 months. I continued for 4 months, I think. उसके बाद हमें लगा भैया हमसे ना हो पाएगा एंड आई क्विट अगेन क्योंकि क्या होता है जब आप न्यू न्यू मॉम बनते हो आपको लगता है यार ये इतना सारा टाइम ता, जो पहले था मेरे पास ये सब अब मेरे पास नहीं है पहले मैं बहुत कुछ कर सकती थी तो मुझे लगा कि अभी इधाया इतना मतलब ठीक है आई कैन मैनेज दिस पार्ट टाइम वर्क तो आई टूक इट बट जब मैं करने लगी और एज इधायाप गेटिंग मोर एक्टिव मोर मोबाइल तो मेरे लिए टफ हो गया वो मैनेज करना सो आई हैड टू लीव इट आई थिंक आई लेवट इन अक्टूबर और टू थ्री मंथ्स आई डिडेंट डू एनी थिंग एक्सेप्ट टेकिंग केयर ऑफ अ धाया जनवरी से ही मुझे कीड़ा लगना शुरू हो गया यार मुझसे नहीं बैठा जा रहा तो मुझे लगा कि यार ये ब्लॉगिंग का चल रहा है चलो ब्लॉगिंग ट्राई करते हैं बिकॉज आई यूज टू वर्क इन सोशल मीडिया तो ये मैं कर सकती हूँ एंड इट इंटरेस्ट मी और पता है कि इसमें क्या करना होता है तो चलो ये ट्राई करते हैं किया और uh... इट वॉज ओके ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आई गॉट अ लॉर्ड ऑफ सक्सेस और uh, ऐसा कुछ नहीं था लेकिन मतलब ठीक चल रहा था मेरा पेज मैं करती रही उसके बाद इन टू थाउजेंड नाइनटीन निधायाक्रॉस टू ईयर मार्क उसके बाद मुझे लगा कि अभी इसको थोड़ा अकल आ रही है तो आई कैन स्विच टू अ वर्क फ्रॉम होम जॉब अगेन और नॉट अ जॉब एटलीस्ट फ्री लांसिंग में बी तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क इन मे टू थाउजेंड नाइनटीन आई थिंक मे और अप्रैल आई डोंट रिमेम्बर तो जो अपॉर्चुनिटीज मिल भी रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे बट फाइनली जून में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी जो बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे लिए मेरी सिचुएशन के लिए एंड आई ज्वाइन दैट ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी टू मैनेज इट वॉज फ्री लांसिंग इट वॉज जस्ट वन ब्रांड इतने छोटे बेबी के साथ स्पेशली जिसको मम्मा की अटेंशन की इतनी ज़्यादा आता तो नहीं हो पाता है शी इज़ ऑलवेज ऑल ओवर मी वेदर आई एम रिकॉर्डिंग वेदर आई एम वर्किंग ऑन माई फोन उसको हर वक्त मम्मा ममा मम्माधाया को देखो ना विधाया से बात करो ना मम्मा फ़ोन रख दो तो वो बड़ी भी हो गई है बट स्टिल शी डजेंट लेट मी वर्क की हमेशा हाँ करते रहो तो इट वॉज़ अनॉइंग इट इज़ स्टिल अनॉइंग जो कि मदरहुड <laughs> का नॉट सो ग्रेट पार्ट है स्पेशली अगर आप घर पर अकेले रहते हो बट ठीक है हम लोग मैनेज कर रहे हैं एंड लास्ट मंथ आई स्विच टू अब न्यू जॉब के आई टुक अट इट इज इवन मोर डिमांडिंग बट आई टुक इट बिकॉज इट इज इट पेज मोर क्योंकि ब्लॉगिंग से यार घर नहीं चल पा रहा था मेरा आई हैड टू टेक सम प्रोजेक्ट और दिस प्रोजेक्ट इज पेइंग मच बेटर ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट हाउ कैन आई मिस द पॉडकास्ट पॉडकास्ट आई स्टार्ट इन नवम्बर लास्ट ईयर मतलब स्टार्ट ऑफिशियली स्टार्टेड इन डिसम्बर बट आइडिया आया मुझे नवम्बर में एंड द पॉडकास्ट इज डूइंग वेल कंसिडरिंग कि यहाँ पर इतना अभी भी लोगों को नहीं पता है पॉडकास्ट के बारे में तो आई हैव टू चैलेंजेस पहले तो लोगों को पॉडकास्ट के बारे में इन्फॉर्म करो और उसके बाद अपनी पॉडकास्ट को भी प्रमोट करो तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता है तो आई एम नॉट एबल टू बी वेरी रेगुलर विद प्रमोशंस बट आई एम इल नाउ रेगुलर विद वीकली पॉडकास्ट एपिसोड जो हो रहा है एंड नेक्स्ट मंथ से इधाया का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो होप फुली आई गेट मोर टाइम मे बी टू आवर्स एक्स्ट्रा तो आईल बी एबल टू डू इट बेटर तो लुकिंग बैक अगर मैं पूरी अपनी मदरहुड जर्नी को देखती हूँ तो गुड वॉज ऑब्वियसली धाया मुझे नहीं था बीबी का बट स्टिल नाउ दैट शी इज इन माई लाइफ आई कैंट इमेजिन इन लिविंग विदाउट हर येज आई कैन इमेजिन वेकेशन विदाउट हर बट आई थिंक अगर वो नहीं किया होता तो मेरी लाइफ का कॉस भी शायद डिफरेंट होता शायद क्या डेफिनेटली डिफरेंट होता आई माइट हैव कंटिन्यूड इन दैट जॉब ओनली मे बी और कोई किसी जॉब में ही चले जाते बट स्टेइंग एट होम वेदर एक्चुअली ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर मी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली हैविंग हैविंग वर्कडर आई नो कि आपको क्या करना चाहिए कैसे आप ग्रो कर सकते हो बट मुझे पता है कि यार ये सब मैं नहीं कर सकती इट इज़ नॉट ए नेगेटिव थिंग मतलब इट इज़ ए नेगेटिव ऑफ मी बट जो ब्लॉगिंग के लिए आपको करना चाहिए वो चीज़ कोई नेगेटिव नहीं है इफ़ यू आर डूइंग एथिकली उसमें कोई इश्यू नहीं है लेकिन यार मतलब बेसिकली एज अ सैड हमसे ना हो पाएगा तो ये ब्लॉगिंग वाला मतलब सीन मुझे रियलाइज हो गया था कि इतना मतलब आई कान डू इतना सारा कॉन्टेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉगिंग और उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन योर क्राफ्ट कहीं ना कहीं आई स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट तो मुझे लगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं ब्लॉगिंग में अगर आपका मन नहीं लग रहा है नहीं हो पा रहा है तो ट्राई समथिंग एल्स और पॉडकास्ट में ऑब्वियसली आई लव पॉडकास्टिंग आई लव टॉकिंग ये स्टार्ट कर दिया मैंने मे भी अगर हिदायत नहीं होती तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसने मुझे घर पर रखा मेरा दिमाग इस डायरेक्शन में भी चला कि ये कर सकते हैं लिटिल फिक्स स्टार्ट हो गया एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लॉगिंग ऑब्वियसली पॉडकास्ट मेरी कहाँ से आई ब्लॉगिंग से ही आई बिकॉज जितने भी लोगों को मैंने इनवाइट किया है यहाँ पर एज गेस्ट उनको मैं एज अ ब्लॉगर ही जान पाई हूँ मे बी अगर मैं ब्लॉगर नहीं होती तो उन सब लोगों से मेरा टच नहीं होता मेरा कॉन्टैक्ट नहीं होता तो फिर मैं किसे बुलाती यार अपनी पॉडकास्ट पर मुझे खुद ही बोलना पड़ता और यार इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है कि मैं हर हर हफ्ते एक सोलो एपिसोड कर सकूं आप लोगों के लिए सो आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ब्लॉगिंग की और ऑब्वियसली आई स्टिल पोस्ट वंस अ वीक और सो ऑन माय ब्लॉग ब्लॉग वाला इंस्टाग्राम पेज बट नाउ माय फोकस इज दिस पॉडकास्ट एंड माई प्रोजेक्ट माई सोशल मीडिया वर्क एंड दैट पेज मी यार बिकॉज आई नीड मनी टू कीप माई पॉडकास्ट रनिंग

बिकॉज आई हैव टू मेक इट कॉन्क्रीट उसके बाद ही आई कैन टॉक अबाउट इट आई कैन शेयर अबाउट इट तो इतनी सारी रैंडम बातें करने के बाद अगर सिर्फ मदरहुड और मदरहुड की जर्नी की बात करें तो द गुड थिंग वॉज ऑब्वियसली इजी प्रेगनेंसी फिर उसके बाद घर का सपोर्ट और इधाया वॉज अ गुड स्लीपर गुड स्लीपर आई कैन से उसने मुझे ज़्यादा इस चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया इट वॉज़ रियली ईजी टू विनर ब्रेस्ट फीड से एंड ऑल्सो फ्रॉम उसको बॉटल से हटाना और सब मतलब इट वॉज रियली इजी मदरहुड हैज डेफिनेटली मेड मी पेशेंट एज अ पर्सन आई विल नॉट से आई एम द मोस्ट पेशेंट पर्सन बट येस आई एम लर्निंग दैट और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हैज इंक्रीज बैड की बात करें तो आई कॉन्ट से एनीथिंग वॉज बैड आई कैन से इट वॉज नॉट गुड बट आई कंट से इट वॉज़ बैड ऐसी चीज़ों के लिए आई वुड से फर्स्ट थिंग वॉज मूड विच वॉज काइंड ऑफ ऑफ इनिशियली बिकॉज मदरहुड मी बाय सरप्राइज कि यार इतना इतना काम करना पड़ता है यार एक बेबी को लेकर आप पूरे दिनों से में लग जाते हो आप इनिशियली मुझे लगा कि यार कितना मेरा टाइम ये बच्ची ले रही है ये मुझे लगा मेरा जो वर्क था वो स्टॉप हो गया बट इन सब चीज़ों से निकल के मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपना ब्लॉग स्टार्ट किया फिर फ्री लांसिंग करने लगे अब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हो गई तो आई हैव ग्रोन प्रोफेशनली ऑल्सो आई हैव ग्रोन पर्सनली तो ग्रो हो ही रहे हैं जैसा कि मैंने बताया कॉन्फिडेंस आया अपने अंदर अपने अंदर पेशेंस आया एंड जब आप बच्चे को देखते हो ना हाउ शी लुक्स एट थिंग्स इन द वर्ल्ड तो इट चेंजेस योर परस्पेक्टिव अ लॉट को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते थे पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हैं आई हैव स्टार्टेड रीडिंग मैनी सेल्फ हेल्प बुक्स जो मैं पहले नहीं पढ़ती थी एंड सम ऑफ बुक्स हैव चेंज माई लाइफ इफ नॉट लाइफ माई परसेप्शन रिगार्डिंग थिंग्स और मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूंगी उन बुक्स के बारे में भी ऑब्वियसली आई एम नॉट ऑलवेज दिस पॉजिटिव नॉट ऑलवेज इन अ गुड मूड बट जब एंड रिजल्ट देखती हूँ अपनी डे टू डे लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जहाँ भी लाइफ जा रही है ठीक है इट्स नॉट अ बैड डायरेक्शन एंड आई होप आप सबकी लाइफ भी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ आप चाहते हैं और बाकी आपकी हेल्प करने के लिए लिटल फिक्सेस है यहाँ पे तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं आप किस किस चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चाहते हैं या फिर आप अपने कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं तो वो सब बातें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं और आई होप कि ये जो मेरी छोटी सी कहानी थी ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये आपको अपने पॉइंट्स जैसे लगे हो मतलब इस एपिसोड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं था ऑब्वियसली इस एपिसोड में जस्ट मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसिस बताए तो अगर आपको लगा कि इसको सुनने के बाद भी आप आपको कुछ पॉजिटिव लगा है अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा इंस्टाग्राम पे लेटे एक्सेस पॉडकास्ट पे या फिर ई करिएगा सारी सारी चीज़ें जो भी हैं डिटेल्स आई हैव लिस्टेड दैम इन द शो नोट्स मेरे ब्लॉग पे एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए मदरहुड के बाद और आपने कैसे एडजस्ट किया क्योंकि हमें एक दूसरे से कनेक्ट करके अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा लिटिल फिक्सेस पे नहीं तो मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पेज पे मैथ्रीज कन्फेटी उस पर बताइएगा एंड लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स कीप अपलिफ्टिंग ईच अदर और मज़े करिए लाइफ में वेट कीजिए नेक्स्ट वेंसडे का क्योंकि नया एपिसोड आएगा तब मिलते हैं जल्दी बाय